दोस्तों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं कहलगांव, जिला भागलपुर और NTPC है ये माँ पार्वती शिवा और शिव मंदिर। देख सकते हैं यहाँ पर शिवा और शिव मंदिर और माता माँ पार्वती का ये, चूँकि अभी समय खुलने का नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से और दर्शन करा दूँ। देख सकते हैं माँ पार्वती किस तरह से विराजमान है, और अगल बगल और भी देवती, क्या नाम है बगल गायत्री, ये है गायत्री। हमारे साथ आज इस यहाँ पर दिखाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जगन्नाथ जी। देखिए जगन्नाथ, अपना परिचय बताइए। नंद किशोर जी, आज आप NTPC में लगातार घूम रहे हैं और NTPC में कई बचपन भी आपका बिता है इधर, तो क्या कहेंगे यहाँ का खासियत, और क्या यहाँ पर किस क्या क्या जो शिव मंदिर हैं इसके अगल बगल में कौन कौन देवी देवताओं का स्थान है बता दीजिए। सबसे पहले वो आपका शिव जी का मंदिर है, ये शिव मंदिर हुआ, उनका गर्भगृह है, वो जो भी बंद है वो शाम में खुलेगा लगभग 4-5 बजे, शाम को 4 बजे खुलता है, ठीक है। और माँ पार्वती का दिखा दिया मैं, और वो जगन्नाथ जी का है, जगन्नाथ जी मंदिर है, और ये गायत्री मंदिर है, गायत्री मंदिर है, देख सकते हैं दोस्तों गायत्री मंदिर अभी भी बंद है वो नहीं। हाँ वो भी शाम को खोल दिया जाएगा, शाम को खोला जाएगा, देख सकते पंडित जी है वहीं पे अंदर में ही रहते हैं। लोगों को मैं बता दूं कि अगर जिनको घूमना है कहलगांव NTPC का ये जगह है, जो कि शिवा और शिव मंदिर के नाम से फेमस है। देख सकते हैं किस तरह का गार्डन है, ये गार्डन कीर्तन वगैरह होता है वहाँ पे, क्या होता है कीर्तन वगैरह, कीर्तन होता है, कीर्तन होता है वहाँ, बरसाहा जी का है, नंदी महाराज का देख सकते हैं, हाँ नंदी महाराज का है वहाँ, कीर्तन वगैरह होता है, शिव चर्चा का भी वहाँ पे होता है, शिव चर्चा का भी कभी कभी प्रोग्राम वहाँ होता है। और वहाँ तो उसके लिए क्या परमिशन किसी से शिव चर्चा के लिए लेना पड़ता है कि अपने से कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग लेडी लोग करती हैं, करती हैं करके आराम से होता है। वहाँ राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का देख सकते हैं वहाँ दोस्तों, राम मंदिर का भी तैयारी चल रहा है, और यहाँ पर कुछ लगता है यहाँ के व्यवस्थापक भी रहते हैं। वहाँ लक्ष्मी माँ का मंदिर है, उसके बगल में लेफ्ट साइड में वो विश्वकर्मा जी का मंदिर है, देख सकते हैं दोस्तों लक्ष्मी माँ का भी इधर मंदिर है, और देख सकते हैं कि किस तरह से ये अभी जैसा कि बता रहे थे गायत्री मंदिर हो, भगवान शिव का है, चारों तरफ देख सकते हैं कि प्राकृतिक के गोद में किस तरह से लोग अगर चाहें, जिस तरह से आज के समय में चारों तरफ देखा जाए तो कहीं ध्वनि प्रदूषण है तो कहीं वायु प्रदूषण है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप आकर काफ़ी अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं, ईश्वर की चिंतन कर सकते हैं, ईश्वर को याद कर सकते हैं, और अपने मन में जो भी मनोकामनाएं हैं यहाँ पूर्ण कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक शिवा मंदिर है, जो शिव की मंदिर है, और हमें आज अफसोस भी है कि मैं फिर आपको, चूँकि 4 बजे के बाद खुलता है, फिर भी देख सकते हैं भगवान जो शिव हैं इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और गायत्री माँ का भी मंदिर देख सकते हैं किधर से इसका ये रास्ता है, तो चारों तरफ से जो है देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह से घंटी मनोकामनाएं हैं। ये नंदी जी महाराज भी हैं देख सकते हैं इधर बहुत, और देख सकते हैं एक तरफ गणेश मंदिर है छोटा सा एकदम, और इधर भगवान हनुमान जी विराजमान है बजरंगबली, देख सकते हैं किस तरह गद्दा लेकर तैयार हैं, और यहाँ पर हमारे शिव जी का इसी तरह का इनका क्या शिवलिंग है अंदर, शिवलिंग है, बहुत ही वो शक्तिशाली शिवलिंग है, तो देख सकते हैं दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ शक्तिशाली शिव मंदिर है। देख सकते हैं दोस्तों ये नंदी महाराज जी हैं, देख सकते हैं कितना यहाँ पर जिस तरह से शिवा शिव मंदिर, और यहाँ
देख सकते हैं हमेशा शिव भगवान के सामने एक नंदी जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं। और चारों तरफ से खूबसूरत देख सकते हैं आपको ये खास इस मंदिर को देखना हो दोस्तों तो ज़रूर एक बार आएं। और यहाँ कहलगांव एनटीपीसी पीटीएस देख सकते हैं, ये घंटा भी देख सकते हैं। ये खूबसूरत उधर शंकर देखिए दोस्तों, मैं एकदम भगवान शिव जिस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं एकदम साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करते ये देख सकते हैं। ये एनटीपीसी इधर छठ भी होता है दोस्तों, यहाँ यहाँ छठ भी मनाया जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है जगन्नाथ जी का जो है मंदिर, लगता है कि खुला हुआ है क्या जगन्नाथ मंदिर। हाँ तो देख सकते हैं हमारे साथ गाइड के रूप में आज गाइड बताने का काम कर रहे हैं। गाइड मतलब होता है रास्ता को दिखाने वाले, और इस खूबसूरत वादियों को जिस तरह से यहाँ खूबसूरत जगह है इस खूबसूरती को बताने के लिए हमारे साथ गाइड के रूप में आज नंद किशोर जी उपस्थित हैं। देख सकते हैं मैं दोस्तों रिकॉर्ड होना है ना, तो भी ले सकते हैं तो कैसे रखते हैं क्या सीख के बजा हो लेंगे? नहीं बजा हो नहीं है तो नहीं कोई सनी महाराज हो गया। अच्छा अच्छा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी कोई देवता है जो शनि महाराज के रूप में नरसिंह भगवान का भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। कोई ना कोई देख सकते हैं माँ लक्ष्मी का दर्शन भी आपको करवा रहे हैं। विश्वकर्मा भगवान जी का भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। बहुत कम मंदिर में मिलेगा विश्वकर्मा भगवान का क्या, लेकिन देख सकते हैं यहाँ विश्वकर्मा भगवान भी दिखाई दिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जगह, खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। लगाए क्या नाम हुआ? मेरा नाम चमकलाल यादव। घर छुपाल टोला। किस तरह का फूल लगा है और ये कितने दिन से आप यहाँ पर? हम यहाँ लगभग ऐसे कंटिन्यू यहाँ 15 साल से हैं। 15 साल से देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये। और कौन कौन से फूल लगे हैं? ये तो ठंडी सीजन का है, इधर तो ये वाला है फ्रेंच वाला गेंदा, उधर हाइब्रिड वाला है, फिर डालिया है, फिर उधर पिटोनिया है, साल्विया है, गेट के दोनों साइड धैंठस है, उधर कार्नेशन है, रुडबिकिया है, फिर वो बगल कैलेंडुला है, यही सब है, उधर फिर ऑर्नामेंटल केल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर यू कैन सी हियर। अलग अलग तरह का फूल यहाँ पर है। हाँ, इतना आइटम कम बता। और लोग बाहर से आते हैं तो खुश होकर जाते हैं, बहुत खुश होता है। यहाँ खासियत है भगवान की मनोकामना, मनमोहक दृश्य, सही बात है, भगवान साक्षात है। साक्षात है, देखिए यहाँ के शुरू से 15 साल से सेवा कर रहे हैं
और कहते हैं कि जो आते हैं यहाँ की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो देर नहीं करें, ये एनटीपीसी का खा जो खूबसूरत वादियाँ भागलपुर ज़िले का कहलगांव और कहलगांव में एनटीपीसी पीसीएस पीटीएस मतलब देख सकते हैं पहाड़ी और ये वो देख सकते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, शिव चर्चा होते हैं, अलग अलग धार्मिक हरे कीर्तन होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश कुमार आज़ाद, स्काउट जिला प्रशिक्षक भागलपुर।